Just save this application. Yeah. Hello. तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? Okay. मैं यहाँ बैंक में काम करने आता हूँ, याशी करने नहीं आता हूँ. और मुझे मालूम है तुमने फोन क्यों किया. मुझे सॉरी वोरी बोलने कोई जरूरत नहीं है. सॉरी कहने के लिए फोन नहीं किया है. सुबह झगड़ा किया और खाली टिफिन लेकर चले गए. जिसमें खाना था उसे यहीं छोड़कर चले गए हो. अरे काम हो गया ना शिवानी. या तो प्लीज. ओके. हाँ, सुबह टिफिन की याद नहीं दिला सकती थी. अरे तुम तो चाहती हो मैं दिन भर भूखा रहूं. मैं तो आपसे शादी करके फंस गई. डॉक्टर ने बोला था शादी करो. मेरी तो किस्मत फूटी थी. तो तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो मेरी किस्मत क्यों फोड़ रही हो. अरे रहने दो मुझ जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती. बस एक काफी है. जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी. मैंने आपने. शांति शांति शांति. जानती हूँ मेरा नाम शांति है. शायद मैं ये अच्छी तरह जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम शांति है. और मैं तुमसे शांत रहने के लिए कह रहा हूँ. ये बैंक है. शाम को घर आऊंगा तब बात करेंगे. ओके. कुंवारी हो काम करो. काम से ज्यादा बातों में ध्यान मत लगाओ प्लीज. ओके. पता नहीं किसकी शांति भंग करो. बीवी का फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकाल रहा है. आते हैं ऑफिस में अच्छा रहता है. एक आदमी ना लाए तो उसका भी काम चल जाता. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. मैं खिलाती हूँ आपको. आप अरे तुम तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती हो. हाँ. बहुत गोल गोल वेरी गुड. अच्छा तभी हम कहें लंच में दोपहर का खाना क्यों नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है. खा रहे ना तो खाइए फिर. मिश्रा जी हमारी ऊपर वाले ने लाइफ बनाने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कौन कौन. एक घर में शांति देवी और ऑफिस में आप. आप आप जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ऊपर चली गई है. अब जाओ तो खाना खा लूं मैं. नहीं खाइए खाइए. आज 20 साल से हम भी खाने का डब्बा नहीं लाए हैं लेकिन आज तक कोई खाना छोड़िए पूछा तक नहीं है. दीवार है. किसके. आपके. पीछे मेंशन नोट दिख रहा है. ज्यादा सोचने के बजाय थोड़ा देखभाल के भी चला करिए. नहीं तो बुढ़ापे में हड्डियाँ टूटेंगी तो जुड़ेंगी नहीं. संतोष जी छोड़िए चलिए. नहीं नहीं ये अपने ऑफिस की चलती फिरती मोबाइल मौसी है. कौन किसके साथ खाना खा रहा है. कौन किससे गप्पे खींच रहा है. इनको सब जानकारी रहनी चाहिए. छोड़िए ना टेंशन मत लीजिए चलिए खाना खाते हैं. अरे ये कौन खत्म करेगा. हो गया, हो गया, ऐसे नहीं, हो गया. नहीं नहीं मैं अरे मैं खिलाऊंगी आपको. नहीं 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 ये खाना पड़ेगा. ऐसे नहीं चलेगा. खत्म तो करने दो. चलिए खाइए. तुम खाओ. अच्छा अब समझी. देखो जो समझी वो गलत समझी. देखो सच्चाई पर पर्दा मत डालो. नहीं नहीं इसमें पर्दा डालने वाली बात ही क्या है. इतने लोगों के बीच में ये हमें. तुम्हें खाना खिला रही थी. अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें घर का खाना क्यों नहीं पसंद आता. नहीं ऐसी बात नहीं है. मत छुओ मुझे. अरे मेरे हाथ तो साफ है. खाना मुझे शिवानी खिला रही थी. देखो बहुत हो गया ये नाटक. आप क्या है मैं समझ गई हूँ. क्या समझ गई. मैं संतोष तुम्हारा पति. अरे नहीं चाहिए ऐसा पति. अरे क्या बोल रही हो. ऐसा पति तुम्हें खोजे नहीं मिलेगा. सही कहा आपने. आपके जैसा पति तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरतों के हाथों से खाना खाते. अरे नहीं 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 भाभी बस आधे घंटे से तो खा रहे. मतलब पांच रोटी तो खिलाइए शिवानी. बस पांच रोटी. घर में तो एक रोटी नहीं जाती इनके पेट में. लेकिन आपकी एक बात और गलत है. तो लंच का डब्बा नहीं देती है. ऊपर से यहाँ के कॉम्प्लीमेंट करती है अलग. तो मेरी बदनामी भी होती है. नहीं 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 इनके कहने का ये मतलब नहीं है. अरे प्रभु इस बार यही मतलब था. अरे इन्हें झूठ बोलने के दौरे पड़ते हैं. ये झूठ बोल रहे हैं. तुम झूठ क्यों बोल रहे हो. अरे देख रही हो शिवानी तुम ना. नाक को रोटी खिला रही थी तुम. इन्हीं के सिवा में बोल रहे हो. समझ नहीं खूब समझ रहे हैं. तुम बोल नहीं रहे हो. तुम खोलते पानी में जहर घोल रहे हो. अब मैं मेरी पत्नी. अब कौन. मिश्रा. मिश्रा मतलब. मतलब मतलब तीसरा. चुप रही है. शांति भाभी संतोष तुम तो बिल्कुल मत बोलना समझी ना. अरे तुम इस पे शक कर रही हो. ये मेरी कितनी इज्जत करती है और तुम्हें शांति भाभी कहती है. और अगर मुझे शांति भाभी कहती है तो आपको भैया क्यों नहीं बना लेती है. अब इतनी भी इज्जत ना कराए कि भाई साहब बेइज्जत फील करने लगे. वैसे आजकल ना इनकी टोटल यही एक प्रेग्नेंट फ्रेंड है. क्या? क्या? क्या तो बात यहाँ तक पहुँच गई. अरे तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो. कोने में ले जाके कौन कह रहा था कि मेरी प्रेग्नेंट है फ्रेंड. तुम अपनी औकात में रह के बात करो मिश्रा जी. अपनी पोस्ट देख के बात करो. संतोष जी आपने ऐसा कहा. अरे तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो. ये इंटरव्यू को इंटरवेल बोलते हैं. मालूम नहीं क्या तुम लोगों को. अरे प्रेग्नेंट मतलब फिक्स फ्रेंड ना भाई. अरे मिश्रा जी प्रेग्नेंट नहीं परमानेंट. भाभी अब को इनको समझाएगी एक ही मतलब होता है ना.
गला दबा दूंगा। तुम्हारे लिए तो एक मतलब हो गया, हमारे लिए दो हो गए ना। अरे हाँ, एक प्रेग्नेंट फ्रेंड, एक वाइफ। अब तुम समझी, ये इंग्लिश में बात करते हैं। बस बहुत हो गया, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। शांति भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब बाहर ही इनका इतना पेट भर जाएगा तो घर में क्या खाक खाएंगे। मैं ही पागल हूँ जो इनके लिए इतना सारा कुछ बना के लाई थी। अब लो, तुम खाओ और तुम इन्हें खिलाओ। शुक्राना ठीक कहते थे, मेरी तो पतंग ही कट गई। अब मैं क्या करूंगी। रायता फैला दिया। अरे भिंडी, शिवानी तुम चना लाई थी। भाभी भिंडी आप ही की चांदी है, भिंडी भी खाइए, चना भी खाइए। सर, सर, पिछले जन्म में मारत थे क्या जो आग लगाने का काम करते हो? शांति, सबर। माचिस की तिल्ली थे क्या जो जरा सी गर्मी लगे चल पड़ते हो? अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो, बॉस ने बुलाया है। इस दुनिया में हर आदमी अपनी अपनी तरह से दुखी है। किसी को एक दुख है, किसी को दूसरा दुख। सर, मगर आपको ऐसा क्या दुख है? सर, मेरी बीवी बीमार है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है। हजारों इलाज करवाए, इलाज करवाते करवाते मैं खुद ही डॉक्टर हो गया। सर, आप दुखी मत होइए, ये कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। बस थोड़ी सी हंसी दे देना, जिंदा रहने के लिए काफी होता है। सब मर्द ऐसे ही होते हैं, झूठ कहकर सेक्रेटरी को फंसाते हैं, ये भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग चल रही है, फिल्में देख देख कर खूब पति को गालियां दो। आ गए आप? हाँ। गाली नहीं दे रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैं जब आपके ऑफिस में फोन करती हूँ आपकी सेक्रेटरी ही फोन उठाती है। वो मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मैं खुद वहाँ का कैशियर हूँ। सेक्रेटरी होती तो फंसा लेते। क्या फंसा लेता, खुद फंसा हुआ हूँ। मिस्टर खुराना सही कहते हैं, आदमियों को जगह जगह की थाली में खाने की आदत होती है, उनकी डोर अपने हाथ में ही रखनी चाहिए। ये मकान बेचना ही पड़ेगा, ये खुराना ने जिंदगी जो है नरक बना दी है। देखो तुम ये पड़ोसी पड़ोसी की बातों में आकर हमसे झगड़ा मत किया करो प्लीज। सच कह रही हूँ, इसलिए कड़वा लग रहा है और इसीलिए मेरा टीवी भी ऑफ कर दिया है। दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी देखने के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो, ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था आप ऐसे ही हो। हाँ, राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकर गिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है, एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियाँ घर को स्वर्ग बनाती हैं और पति को स्वर्गवासी बना देती हैं। बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह, कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ, जो कपड़े उतार दूं सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला, आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो, अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी? पिताजी ने नरक बना दिया। ये तो तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ नहीं है ना, है? अब तुम रहना अपने पिताजी के दिए हुए दहेज के सामानों के साथ, और कार से बोलना मांग भर दे, और टीवी से बोलना बच्चे पैदा कर दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, माफ नहीं करूंगा, सॉरी बोरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोल भी नहीं रही हूँ, मेरा रिमोट देते जाओ। हाँ ये रखो, जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए था, कोटा से लाकर पटक दिया है यहाँ पे, पूरा दिन टीवी देख कर दिल बहलाना पड़ता है। आपसे तो अच्छा मेरा ये हुंडई का टीवी है। ना ऑफिस में ठिकाना ना घर में। ए संतोष, दुष्पार हो गया। ए रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? झक मारने। अकेले? हाँ, अब आप आ गए ना।